जय हिंद। DSSB की तरफ से आप सभी को एक अपडेट देखने को मिली है। यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट को अपने जो फोटो है और सिग्नेचर ये अपलोड करने हैं। जिस भी कैंडिडेट ने DSSB का फॉर्म अप्लाई किया है OARS यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उन सभी को जो है DSSB की तरफ से एक मैसेज भी आया होगा अगर उन्होंने DSSB का फॉर्म अप्लाई किया है। वो मैसेज कैसे आया है चलिए आपको मैसेज दिखाता हूँ। जिससे किसी ने भी DSSB का फॉर्म अप्लाई किया है उनको ये मैसेज देखने को मिला है। जो नंबर उन्होंने अपने फॉर्म में दिया था उसी नंबर पे DSSB की तरफ से मैसेज आया है। यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इन 2020 बाई DSSB। यू मस्ट अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन OARS एंड अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बाई 21 फरवरी 2021। यानी कि 21 फरवरी 2021 से पहले जो है आपको अपनी डिटेल्स जो अपडेट करनी होगी। अब इन डिटेल को कैसे अपडेट करना है चलिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है DSSBonline.nic.in। ये सर्च करने पर आपको जो है ये पेज देखने को मिलेगा। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा आपको वो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपकी डेट, फिर मंथ और फिर जिस ईयर में आपका जन्म हुआ था वो, उसके बाद आपकी 10th क्लास का रोल नंबर, उसके बाद जो आपकी 10th क्लास की पासिंग ईयर थी वो। ये अप्लाई करने पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है। उसके बाद आपको पासवर्ड लगाना है जो DSSB का फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने अप्लाई किया था। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे जो है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है इसको दबा करके यहाँ पे क्लिक करके जो आप अपना जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो अगला पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको जो एक E-DOCS का फॉर्म एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे जो अगला पेज आपका ओपन होगा वो होगा ये जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री जो है वो फिल करनी है अगर आपने इस कैटेगरी से संबंधित फॉर्म अप्लाई किया था तो, ठीक है जी, वो अपने आप ओपन हो जाएगी। अगर आपने ये जो है बैचलर डिग्री वाला फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको फिल क्या करना है जो नीचे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो, ठीक है जी, फ़ोटो आपकी, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आपकी 10th के जो सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड, ये सब जो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद ST सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं तो आपको ST सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है। बस यही प्रोसेस है OARS में अपनी डिटेल को अपडेट करने की। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहेगा और अच्छी नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।